हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुलाबी इल्ली के बारे में। गुलाबी इल्ली कपास की फसल को काफ़ी नुकसान कर सकती है, लेकिन ये आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से फ्रेश कपास निकल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि मार्केट में तो काफ़ी सारी चॉइस रहती है गुलाबी इल्ली को कवर करने के लिए, लेकिन इसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही अपन कपास में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, उस समय से आपको मतलब जो इल्ली की इंसेक्टिसाइड है, जैसे प्रोफेनोफास है और प्रोक्लेन है और अपना कोराजन यूज़ कर सकते हो, ट्रेसर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मौजूद है इल्ली के लिए। तो उनका यूज़ अपने को जैसे ही फ्लावर स्टार्ट होते हैं तभी अपने को स्टार्ट करना रहता है, वरना एक बार अगर इल्ली खेत में दस्तक दे दी उसने तो फिर वो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो फैलती रहती है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है अपने को। ये आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से शूटिंग फ्लावरिंग हो रही है। कपास की कंडीशन तो काफ़ी बढ़िया है, आप देख भी सकते हो बढ़िया तरीके से कॉटन ग्रोइंग चल रही है। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना होगा, अब गुलाबी इल्ली अटैक करती कहाँ पे है इस चीज़ को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे ये फ्लावर फूलता है, इसके अंदर इल्ली अंडा दे देती है, और ये जब फूल नीचे गिरता है तो वो इसके जो अंदर ये छोटी सी घिट्टी जो बनी हुई है इसमें वो अंदर घुस जाता है जो गुलाबी इल्ली है, और वो अंदर के अंदर पूरे मतलब जो बॉल के अंदर कॉटन बनना रहता है उसको बनने नहीं देती, जो सीड्स वगैरह है उनको डैमेज कर देती है। तो ये आप देख सकते हो इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से फ्लावर फूल रहे हैं। इस कंडीशन में अगर आप स्प्रे करते हो, कंट्रोल अगर अपन ने कर लिया तो कॉटन की क्रॉप काफ़ी बढ़िया रहेगी, और यही ध्यान रखना पड़ता है कॉटन की क्रॉप में सबसे ज़्यादा। गुलाबी इल्ली काफ़ी मात्रा में डैमेज कर देती है और उत्पादन को काफ़ी कम कर देती है, क्योंकि कपास में अगर हर फूल हर डेंडू से कपास पूरा नहीं आएगा तो अपने एवरेज पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसमें एक या दो जो इसके जो फूलता है पूरा गुल, उसमें अगर एक या दो भी मतलब डैमेज हो गई तो उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉटन लगा हुआ है और काफ़ी बढ़िया कंडीशन भी है, पूरा कपास झुक चुका है, डेंडू वगैरह काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं। इस पर हमने अभी एक 8 रोज पहले भी स्प्रे किया है प्रोक्लेन का, जिससे गुलाबी इल्ली का हम काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रण कर लेते हैं। पिछली बार भी हमने इसका रिज़ल्ट देखा था, काफ़ी बढ़िया मिला। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। अपन एक बार बॉल वर्म आ गया डेंडू के अंदर, उसने इल्ली ने अंडा अगर दे दिया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर तो वो ख़राब ही होगा। जैसे ये फ्लावरिंग है, इस स्टेज पर इस पर स्प्रे होने चाहिए। अगर अपने प्लांट में हर पौधे में एक से दो फूल फूल रहे हैं तो फिर अपने को स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। अपन स्प्रे कंटिन्यू करते रहिए तो जो बॉल बनेगा उसके अंदर इल्ली बिल्कुल नहीं होगी। और यही कुछ
इसको कंट्रोल करने के नियम है। ये जो फ्लावरिंग ऐसे पौधे में एक से दो फ्लावरिंग अगर हो रही है तो अपने को हर 8 दिन में एक स्प्रे करना रहता है। अपन प्रोफेनोफॉस यूज़ कर सकते हैं, ट्राइजोफॉस यूज़ कर सकते हैं, बार बार ना यूज़ करके बदल बदल कर यूज़ करें, तो अपने को बदल बदल कर यूज़ करना है। पहले तो अपन प्रोफेनोफॉस अगर एक बार यूज़ किया अपन ने, तो फिर अगली बार ट्राइजोफॉस, और फिर अगले स्प्रे में अपन प्रोक्लेन, फिर अगले स्प्रे में कोराजन, इस तरीके से 4-5 स्प्रे अगर हो जाएंगे तो ये गुलाबी इल्ली काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और जो लास्ट में जो ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है इनमें गुलाबी इल्ली नहीं आएगी। जब बीटी का असर ख़त्म हो जाता है तो गुलाबी इल्ली आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये अपने को काफ़ी हद तक मदद करेगा। जिससे जो बात की ये जो अभी जो फ्लावरिंग दिख रही है, जो ये फूल फूलेंगे इनमें गुलाबी इल्ली का अटैक नहीं आएगा। तो ये थी कुछ खास जानकारी आपके लिए, आशा है आपको इस जानकारी से थोड़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपको जानकारियों से अवगत कराना हमारा परम दायित्व है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा नहीं लगे तो भी डिसलाइक करके हमको इस चीज़ से अवगत करा सकते हो कि आपके द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। तो आप आराम से डिसलाइक करके कमेंट कर सकते हैं, आगे हम और भी अच्छे तरीके से आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। La 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 la